नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रियाज अहमद है। रियाज अहमद सेना से रिटायर है और लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का खतरनाक सदस्य है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के सामने रियाज अहमद ने जो खुलासे किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का सदस्य रियाज अहमद सेना से रिटायर्ड है और वो LOC के पास हथियार और गोला बारूद हासिल करने के मामले में शामिल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रियाज को हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा के सदस्य अहमद शेख उर्फ शकुर और काजी मोहम्मद खुशाल की तरफ से भेजे गए थे। ये दोनों पाकिस्तान में ही बैठकर इस डील को ऑपरेट कर रहे थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस के DCP KS मल्होत्रा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों की तरफ से उनकी टीम को खास इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके मुताबिक कुपवाड़ा में रहने वाला रियाज अहमद, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, हाल ही में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल मामले में वांटेड चल रहा था। साथ ही दिल्ली पुलिस को यह भी जानकारी मिली थी कि रियाज अहमद फरार चल रहा था, जिसे रेलवे पुलिस की टीम ने तड़के ही गिरफ्तार कर लिया है। इसी सूचना के कारण दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में आई थी, जिसके तहत दिल्ली रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रियाज अहमद को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गेट नंबर 21A से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रियाज अहमद पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद रियाज अहमद ने बताया कि वो अपने दोस्त अल्फाज के साथ जबलपुर की महाकौशल एक्सप्रेस में बैठा था। 3 जनवरी को वो नई दिल्ली के हजरत निवाजुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जहां से वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑटो के जरिए आया था, जहां से वो अपने किसी नए ठिकाने पर जाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसका दोस्त अल्फाज 31 जनवरी 2023 को सेना से रिटायर हुए थे। अब दिल्ली पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर पुलिस के आगे की कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया है। वहीं रियाज कहां जा रहा था, उसका आगे का क्या प्लान था, इसको जानने के लिए पुलिस की गहन पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में कुपवाड़ा से लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल के 5 दहशतगर्दी को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार की बरामद किए गए थे। अब रियाज के साथ मिलकर लश्कर ए तैयबा का क्या प्लान था, पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा होगा।